सुपौल में कोऑपरेटिव बैंक की खुल रही शाखा, मुख्यमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। सुपौल जिला में जिला सहकारी बैंक खोलने की अनुमति रिजर्व बैंक से मिल गई है। ये जानकारी देते हुए जदयू प्रवक्ता ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सुपौल जिला के किसानों का चिर परिचित मांग, जो बरसों से लंबित चली आ रही थी, उसे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रयास से पूरा किया गया है। सुपौल जिले में सहकारी बैंक की स्थापना से किसानों को बहुत ही लाभ होगा। जानकारी दी गई है कि जिला कोऑपरेटिव बैंक का प्रधान कार्यालय सदर बाजार के विलियम स्कूल मैदान के निकट खुल रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे। वर्षों पहले मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बंद हो जाने से सुपौल जिला के किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अब बैंक खुल जाने से समस्या का हल हो जाएगा। जिले के किसानों को अपनी फसल की कीमत के लिए बिहट बैंक नहीं जाना पड़ेगा, अब स्थानीय सुपौल कोऑपरेटिव बैंक में ही अपने भुगतान ले सकेंगे। औपचारिक रूप से बताया गया कि सुपौल कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगा, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। रिपोर्ट बलराम कुमार। बताइए क्या कहना है कोऑपरेटिव के बारे में। सुपौल में माननीय बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री के प्रयास से कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक से मिला है, जो आने वाले हमको लगता है कि एक सप्ताह के अंदर उसका बजाबते शिलान्यास कर उसका काम शुभारंभ हो जाएगा। और ये सुपौल में मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बंद हो जाने से सुपौल जिला के लाखों किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। अभी किसानों को यहाँ भुगतान लेने के लिए अपने पैसे के लिए बिहट जाना पड़ता था, जो आगामी मंथ से यहाँ लोकल में ही सुपौल कोऑपरेटिव बैंक से भुगतान हो जाएगा। मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे किसान है, कम इंटरेस्ट पे उसको ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। ये बहुत बड़ा समस्या किसानों को सुपौल जिला के लिए हल हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव, प्रवक्ता जनता दल यू सुपौल। और ये जानकारी रात में माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा मिला है कि कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रेशन मिल गया। बजाबता रजिस्ट्रेशन का कागज भी यहाँ सुपौल में कोऑपरेटिव बैंक को मिल चुका है। बैंक जो यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? बिहार में पूर्व से बिहार कोऑपरेटिव बैंक जो है 22 जिलों में कोऑपरेटिव बैंक है, और ये 23वां जिला सुपौल है जहाँ की कोऑपरेटिव बैंक का गठन हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जो सामान्य बैंकिंग कार्य करने के लिए, और ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इस जिला के लिए कि जहाँ एक तरफ रिजर्व बैंक जो है अन्य बड़े बड़े वित्तीय कंपनियाँ जो है उन्हें लाइसेंस निर्गत नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ जो कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस प्राप्त हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ के किसानों, यहाँ के मध्य वर्ग के लोगों की आर्थिक उन्नति कैसे हो, इस हेतु। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विभाग के साथ साथ विभाग के अपर मुख्य सचिव निबंधक महोदया और माननीय मंत्री सहकारिता का तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारे माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री बाबू विजेंद्र बाबू का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से सुपौल जिला के लिए एक माइलस्टोन है। इससे यहाँ के किसानों को कब से आप इस बैंक से फायदा देने जा रहे हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मल रूप से इसका विधिवत उद्घाटन हो जाए, और इसी वर्ष से हम लोग किसानों को जो है फायदा देने का काम करेंगे, जो यहाँ के किसानों को गत वर्ष या अभी भी हम लोग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो बीहट शाखा बेगूसराय है वहाँ से हम लोग इनको फायदा दिलवा रहे थे, लेकिन अब यहाँ हो जाने पर जो 48 घंटा सरकार की है कि 48 घंटे के अंदर भुगतान, वो यहाँ से सरल रूप से निश्चित रूप से होगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी से सभी किसानों को यहीं से हम लोग भुगतान करना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद।